धार एक आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ पर आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों के अधिकारों और हक पर डाका डाला जा रहा है, जिसकी खबर समाचार एक्सप्रेस लगातार प्रमुखता से उठा रहा है और जिम्मेदारों तक जमीनी हकीकत पहुँचा रहा है। हमने आपको ग्राम पंचायत के सतपुरा राला मंडल में हुए भ्रष्टाचार की खबर दिखाई थी। अब आपको दिखाते हैं किन किन दूसरी योजनाओं के नाम पर फर्जी तरीके से शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। वैसे तो ग्राम पंचायत केसरपुरा राला मंडल के भ्रष्टाचार के चर्चे जिले भर में है। शासन की ऐसी कोई भी योजना नहीं बची जिसके नाम से राशि का आहरण नहीं किया गया हो। आपको हमने पहले दिखाया था कि किस प्रकार से सरपंच सचिव ने काले जादू के माध्यम से राशि डकार ली थी। फिर चाहे बात उत्सव त्योहारों की हो या गांव के सौंदर्यकरण की या फिर साफ सफाई की, हर एक मद से मिली भगत करके इनके द्वारा रुपयों का बंदरबांट किया गया। अकेले सरपंच सचिव की इतनी हिमाकत नहीं थी कि वह लाखों रुपए का बंदरबांट कर दे, इससे जरूर उच्च अधिकारी से मिली भगत भी हो सकती है। ताजी जमीनी हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार की सर्वोत्तम पंचायत का अवार्ड जीत चुकी इस पंचायत ने ग्रामीण किसानों के लिए बनने वाली ग्रेवाल सड़क के नाम से भ्रष्टाचार किया, जिस सड़क के माध्यम से किसान आसानी से दुरुस्त खेत खलिहान तक आसानी से जा सके, उसके नाम पर ही इन्होंने खीर पका ली और बिल्ली की भांति आंखें मीच कर उसको डकार गए। शायद इसी आस में कि किसी को भनक नहीं लगेगी, परंतु सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से पता चल सका कि इन्होंने कितनी राशि को डकारा है। अलग अलग सड़क के नाम पर लाखों की शासकीय राशि का बंदरबांट इस पंचायत के द्वारा किया गया। आज किसान परेशान है और मांग भी कर रहे हैं कि इस पंचायत की जांच की जानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि सरपंच सचिव ने मिलकर जादूगरी करके कितनी राशि को डकारा। अगर जांच होती है तो निश्चित ही वित्तीय अनियमितताएं सामने आएंगी। तो आपने देखा किस प्रकार से आदिवासी बाहुल्य धार जिले में पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार कर अपनी जड़ें जमा चुका है। ऐसे भ्रष्ट लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक दूसरों को सबक नहीं मिलेगा। हम आपके बीच जब तक लगातार खबरें दिखाते रहेंगे जब तक कार्रवाई नहीं की जाती। सरदारपुर से अमर वर्मा की खास रिपोर्ट।